सकती है। महोदय मित्र विधेयक 2019 के प्राविधान आयकर अधिनियम 1961 के लिए प्रोत्साहन, सस्ते आवास की खरीद के लिए प्रोत्साहन, सस्ते आवास को चल रही है पर ब्याज की कटौती को 2 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रस्तुत प्रोत्साहन, मान्यवर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज की कटौती करना प्रस्तावित है। महोदय एनपीएस के लिए प्रोत्साहन, प्रस्तावित किए गए विभिन्न प्रोत्साहन यथा स्थिति एनपीएस खाते को बंद करके एनपीएस से निकाले जाने वाली राशि पर पूर्ण छूट, एनपीएस को केंद्रीय सरकारी आवंटन पर 14% के अतिरिक्त कटौती, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके टियर 2 एनपीएस खातों में अंशदान की धारा 80 घ के अंतर्गत कटौती, केवल बीमा पॉलिसी भुगतान से प्राप्त आय पर स्रोत पर कटौती, सकल राशि के बजाय कर के अधीन जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर कटौती, निगमित कर के उच्च कारोबार सीमा वर्तमान 25% की न्यूनतम दर केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होगी जिनकी कुल कारोबार 250 करोड़ रुपए तक है। सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि उन सभी कंपनियों को शामिल किया जा सके जिनकी कुल कारोबार 400 करोड़ रुपए वार्षिक है। यह 99.3% कंपनियों को कवर करता है। अब केवल 0.7% कंपनियां इस दायरे से बाहर रह जाएंगी। ऑफशोर इन लिमिटेड बांड के माध्यम से कम लागत वाले विदेशी उधारों को प्रोत्साहित करना, धारा 194 के अंतर्गत संदर्भित रुपए डिनोमिनेटेड बांड को जारी करने के माध्यम से अनिवासियों को उधारी से होने वाली ब्याज आय पर छूट, ऑफशोर निधियों के लिए विशेष कराधान व्यवस्था की शर्तों में छूट, भारत में निधि प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर के अधिनियम की धारा 9 में उपयुक्त संशोधन करने के द्वारा कतिपय बाध्यताओं को दूर करने का प्रस्ताव, मान्यवर भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास, मोदी सरकार ने विद्युतीकरण विमुद्रीकरण पर जोर और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कैशलेस सोसाइटी बनाने के अभियान से प्रगतिशील वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है। वित्त विधेयक 2019-20 एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी निकासी को 2% की दर से कर लगाना, वो कारोबारी जिनका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक है उनके लिए भुगतान में एक माध्यम के रूप में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा न किए जाने पर दंडात्मक जुर्माना निर्धारित किया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 किसी भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता द्वारा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक माध्यम के भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित किए जाने पर लगने वाले शुल्क को लिए जाने से रोकने के लिए संशोधन किया जा रहा है। मान्यवर काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रमुख घोषणा पत्रों में से एक है। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने धन की उत्पत्ति की जाँच करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया, बेनामी लेन देन अधिनियमों में संशोधन, काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर आरोपण का अधिनियम। वित्त विधेयक 2019 ने काले धन के खिलाफ लड़ाई को और गति देने के लिए कई प्रमुख विधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 अधिनियम के तहत दंड बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। मौजूदा दंड के अलावा कोई भी व्यक्ति जो समन का पालन करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए 25,000 रुपये भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा अधिनियम के तहत कुछ अपराधों के अभियोजन के लिए CBDT से पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अनुमोदन प्राधिकारी को आयुक्त निदेशक, प्रधान आयुक्त या आयकर के प्रधान निदेशक में बदल दिया गया। काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर आरोपण अधिनियम 2015 का प्रभाव, वित्त विधेयक 2015 अधिनियम और निर्धारित की परिभाषा को बदल देता है। वर्तमान में अधिनियम भारत के निवासी पर लागू होता है।
यह अधिनियम इसमें संशोधन करता है ताकि अधिनियम को भारतीय निवासियों और अनिवासियों दोनों पर लागू किया जा सके, जैसा कर आजकल आयकर अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 रिपोर्टिंग संस्थाओं जैसे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए विधेयक पर संशोधन किया जा रहा है। इन संस्थाओं को अपने ग्राहकों की पहचान, उनके धन के स्रोत और लेन देन स्थिति स्पष्ट कर दी है। बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं बार-बार। अंतर मंत्रालयों के समन्वय समिति को सूचित करने के अनुरोध और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। के उद्देश्य धन शोधन और डॉक्टर अशोक वाजपेयी के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे वित्त पोषण का मुकाबला करने की इन पर नीतियों के विकास और कार्यान्वयन शामिल हो। अनुबंध पेशेवर शुल्क भुगतान के लिए व्यक्तियों को या एचयूएफ द्वारा कटौती, उच्च मूल्य अनुबंध और पेशेवर शुल्क भुगतान को ट्रैक करने के लिए प्रस्तावित सभी व्यक्ति या एचयूएफ ठेकेदार को 5% दर से टीडीएस कटौती करेंगे यदि वार्षिक भुगतान 50 लाख रुपये से अधिक होगा। विवरणी अनिवार्य रूप से भरना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य लेन देन करने वाले व्यक्ति आय की विवरणी भरेंगे, उन व्यक्तियों के लिए विवरणी भरना अनिवार्य होगा। पैन आधार का उदाहरण उच्च मूल्य को लेन देन को ट्रैक करने के लिए प्रावधान प्रस्तावित है कि पैन आधार का उदाहरण और प्रमाणीकरण के लिए तीसरे पक्ष रिपोर्टिंग तत्व को मजबूत करना, तीसरे पक्ष रिपोर्टिंग तत्व मजबूत करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा सकती। डॉक्टर अशोक वाजपेयी, मान्यवर करदाताओं के लिए ईज ऑफ लिविंग, जो ईमानदार करदाता हैं जो कर का भुगतान करते हैं उनके लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, मोदी सरकार अपने करदाताओं को धन्यवाद देती है जो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने करों का भुगतान करके अपने कर्तव्य निभाते हैं। उनके बहुमूल्य योगदान के कारण हमारी सरकार हमारे राष्ट्र के समावेशी और सर्वांगीण विकास के सामूहिक सपने के लिए काम करती है। करदाता के लिए टैक्स फाइलिंग और आकलन की परेशानी मुक्त बनाने के लिए वित्त विधेयक प्रस्ताव करता है पैन और आधार की विनिमयता। अगर पैन नहीं है तो आधार के आधार पर भी वो रिटर्न अपना फाइल कर सकेंगे। रिटर्न भरने से पहले करदाता के अनुपालन में आसानी के लिए आयकर रिटर्न के पूर्व फाइलिंग को सक्षम करने के लिए तीसरे पक्ष की रिपोर्टिंग के दायरे को विस्तार करने का प्रस्ताव है। विवाद समाधान योजना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 और चीनी उपकर अधिनियम 1982 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित मामलों के समाधान और निपटाने के लिए सबका विश्वास लीगेसी विवाद समाधान योजना नामक विवाद समाधान सहित माफ़ी योजना शुरू की जा रही है। फेसलेस ई आकलन, मान्यवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसलेस आकलन की योजना जिसमें कोई मानव इंटरफेरेंस शामिल नहीं होगा, इस तरह की व्यवस्था इस संशोधन में मान्यवर की गई है। मान्यवर कंपोजिशन और अन्य डीलरों के लिए सैलरी कर रिटर्न और भुगतान की आवश्यक त्रैमासिक भुगतान और वार्षिक रिटर्न, मान्यवर वार्षिक रिटर्न के साथ साथ त्रैमासिक रिटर्न भी अपना फाइल कर सकेंगे। CGST अधिनियम की धारा 39 में संशोधन किया गया है। माल के आपूर्तिकर्ता के लिए थ्रेशहोल्ड सीमा में वृद्धि, आपूर्तिकर्ता मुख्य रूप से माल की आपूर्ति के कार्य में संलग्न, उसके लिए थ्रेशहोल्ड सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 रुपये निर्धारित की गई है। बड़ी संख्या में छोटे करदाता को GST अनुपालन से मुक्त कर दिया गया है। CGST अधिनियम की धारा 22 में संशोधन किया गया है। सेवा प्रदाताओं के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं के लिए कंपोजिशन योजना, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मिश्रित आपूर्तिकर्ताओं और जिनकी कंपोजिशन योजना के लिए पात्र नहीं थे के लिए वैकल्पिक कंपोजिशन योजना निर्धारित की गई जिसमें 50 लाख रुपए तक के वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार होता है। इससे बड़ी संख्या में छोटे सेवा प्रदाताओं सर्विस प्रोवाइडर्स को राहत मिलेगी। CGST की अधिनियम की धारा 10 में संशोधन किया गया। सरलीकृत विद्युत नगदी बही खाता, मान्यवर वैद्युत नगदी बही खाते में जी आपका समय खत्म हुआ, कृपया मान्यवर अभी तो हमने शुरू किया है, आपको पार्टी ने आपको पार्टी ने 10 मिनट दिया था, 10 मिनट समय पूरे हुए। आप मान्यवर तो मैं मुख्य पॉइंट कृपया कंक्लूड करें एक मिनट के अंदर। मान्यवर केवल निबल और देयता पर ब्याज कर लगाना, आयुक्त विनिर्धारित रिटर्न को प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकता है। मान्यवर रिटर्न फाइल करने की तारीख भी आयुक्त को बढ़ाने का अधिकार इसमें दिया गया है। केंद्रीकृत स्वचालित रिफंड का संवितरण, मान्यवर ये स्वतः ही इनका रिफंड हो सकेगा, इसके लिए CPST की अधिनियम की धारा 54 में संशोधन किया गया है। भारत में विश्व स्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास के लिए मान्यवर IFSC जो इंटरनेशनल हमारा ट्रांजेक्शन है संस्थानों और भारतीय वित्तीय संस्थानों इन कंपनियों के भीतर संचालित करने, ग्राहक को भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रबंध करने की अनुमति देता है। खत्म मान्यवर इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को माध्यम लघु औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करने के लिए भारतीय बैंक अधिनियम को बुलाऊं ऑलरेडी समय पार्टी ने समय कर रहा हूँ अधिक।